लोगों को जय मसीह की। टुडे इज नोन एज द असेंशन संडे, द असेंशन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर जीसस जो थे वो क्रूस पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन जी उठे, और जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने चेलों के साथ समय बिताया, अपने लोगों को वो दिखाई दिए, उनके साथ अनेकों बातें की, और फिर वो 40वें दिन सबकी देखते देखते वो गलील से उठा लिए गए, और ही वॉज टेकन अप बॉडली इन अ बॉडली फॉर्म टू हेवन, एंड द पीपल ऑफ द चर्च देयर सॉ हिम गोइंग। और परमेश्वर हम सबके साथ हों ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें, और आज का वचन जो हम पढ़ें उसको समझें। कोरोना वायरस के चलते चर्च सर्विसेज नहीं हो रही हैं और हम लोग चर्च में नहीं मिल सकते, मगर हम चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसी फील आए कि यू हैव कम टू द चर्च, यू आर अटेंडिंग द चर्च सर्विस, ऐसा आपको फील आए। इसलिए हम यहाँ पर आके रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि यू मे फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड वी मे अंडरस्टैंड टुडे द होली वर्ड ऑफ गॉड। तो आइए हम सब अपने घरों में गाना गाएंगे। Teach me.
सुसमाचार 17 अध्याय 1 से 11 पद तक। यूहन्ना 17 अध्याय 1 से 11 पद तक। यीशु की महायाजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वे घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अपने चेलों के लिए मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वे सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वे सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अपने सिरों को खुदा के सामने झुकाएं। May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. हम देखते हैं कि आज असेंशन का संडे है और असेंशन डे वाज ऑन 21st ऑफ मई 2020 और दिस इज द 40th डे आफ्टर ईस्टर। तो परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद ये 40वां दिन है, यानी 39 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 39 डेज व्हेन द 40th डे केम They were all assembled in Galilee. अगर हम लुका की पुस्तक उसके 24वां अध्याय उसकी 50 से 53वीं आयत पढ़ते हैं,
तो वहां क्या लिखा है, Then Jesus led them out of the city as far as Bethany, where he raised his hands and blessed them. And as he was blessing them, he departed from them and was taken up into heaven. And they worshipped him and went back into Jerusalem, filled with great joy, and spent all their time in the temple, giving thanks to God. हम देखते हैं परमेश्वर ने यीशु ने जाते समय अपने हाथों को ऐसे रेज किया एंड ही ब्लेस देम और उनके देखते देखते ही यीशु आसमान में उठा लिए गए एंड दे वर्शिप हिम। परमेश्वर कह रहा है हम इन विटनेसेस को जो हमारे सामने रखी गई हैं परमेश्वर के वचन में से उनको पढ़ते रहे समझते रहे। अगर हम एक्ट्स की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 6-11 आयत को देखें तो वहां क्या लिखा है, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 6-14 आयत तक, यीशु का स्वर्गारोहण। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य को फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उसकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटाली पर गए जहां पतरस और यहोन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपस और थोमा और बर्तुलमे मतेई और हलफई का पुत्र याकूब और शमोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। वे सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद। When the apostles met together with Jesus, they asked him, Lord, will you at this time give the kingdom back to Israel? Jesus said to them, The times and occasions are set by my Father's own authority. It is not for you to know when will they be. परमेश्वर कहते हैं कि times and seasons are in the hands of God. खुदावंद जो है वो अपने चेले फिर पूछ रहे थे, आए खुदावंद क्या तू सारा किंगडम इज़राइल को दे देगा? और उस यीशु ने कहा, you don't be bothered about this. आपको जो काम दिया गया है वो ये है कि आप परमेश्वर के वचन को जाने, उसको समझे, उसकी ग्लोरी को चारों तरफ फैला दे, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। परमेश्वर ने अगर हम जॉन की पुस्तक उसका 16वां अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़े तो वहां क्या लिखा है, मैं आप सब के सामने पढ़ देता हूं। But I am telling you the truth, it is better for you that I go away, because if I do not go, the helper will not come to you. But if I do go away, then I will send him to you. यानी परमेश्वर कह रहा है, it is तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि एक तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और दूसरा तुम्हारे पास एक हेल्पर को भेज दूँ। और जब वो हेल्पर आएगा पवित्र आत्मा, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तब अपनी आत्मा भेज दूंगा, वो तुम्हारे अंदर होगी। हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है। जब यीशु आसमान में उठा लिए गए तो दो बंदे वहां उन गलीलियंस के सामने आके खड़े हो गए और उन्होंने कहा, ओ गलीलियंस व्हाई आर यू लुकिंग अप टू हेवन? गॉड इज सेइंग, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो ड्यूटी मैं चाहता हूं कि तुम्हें करनी चाहिए उस आवाज को अपने दिल में सुनो, उस वॉइस को अपने दिलो दिमाग में सुनो और प्रभु से कहो कि प्रभु हम तैयार हैं,
हम वो करेंगे जो तू चाहता है एंड स्टिल दैट स्टिल स्मॉल वॉइस विल टॉक टू यू एंड फॉलो दैट वॉइस. आप वही करें जो परमेश्वर की आत्मा आपको कहती है. एक चीज याद रखें, एक अपने दिल की आवाज होती है और एक पवित्र आत्मा की आवाज होती है. अपने दिल की आवाज जो आप चाहते हैं, अपने दिल की आवाज जो आपकी चाहत होती है, वही चाहते हैं, वही बताती रहती है. दैट इज योर ओन वॉइस, बट द वॉइस ऑफ द लॉर्ड इज डिफरेंट, इन लाइन विद द होली स्पिरिट्स विश. इट इज इन लाइन विद द वर्ड ऑफ गॉड. यानी परमेश्वर कोई भी बात कहता है वो अपने वर्ड ऑफ गॉड से सब्सटेंशिएट करता है. परमेश्वर का वचन हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम फर्क पता कर सके कि ये हमारी अपनी मन की आवाज है कि परमेश्वर की आवाज है. क्योंकि परमेश्वर की आवाज परमेश्वर के वचन के अनुरूप होगी, वो परमेश्वर से के वचन से अटके नहीं होगी. यानी आपको जो परमेश्वर का वचन जिस तरफ को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है वो वैसी सी आवाज होगी. वो अच्छा करने को बोलेगी, वो गलत करने को नहीं बोलेगी. कई बार शैतान की आवाज हमारे दिल में गलत करने की बात करती है. हमें गुस्सा आता है, हमें डिप्रेशन आता है, हम सोचते हैं हम ये कर लें, हम मर जाएं, हम ऐसा कर लें. मगर परमेश्वर की आवाज जिंदगी की आवाज होती है. वो आपके अंदर, अगर आपकी हालत मरी हुई भी है, तो आपके अंदर एक ऐसी ताकत को, जोर ताकत को आपके अंदर डाल देगा कि आप खुद भी जीवन पाएंगे, दूसरों को भी जीवन देंगे. आप खुद भी डिप्रेस नहीं होंगे, दूसरों को भी डिप्रेस होने नहीं देंगे. आप खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचा लेंगे. हम गाना गाते हैं, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा. तो परमेश्वर की आत्मा हम सबको, आज जब कोरोना वायरस में इतने लोग मर रहे हैं और ये समय है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के पास आए. अब हम एक दूसरे से, वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है, हमको एक दूसरे के पास इसलिए नहीं आना कि जर्म फैल जाएगा, मगर हम फोन के द्वारा, इन गैजेट्स के द्वारा एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. हम एक दूसरे की मदद क्या बहुत से तरीकों से कर सकते हैं. तो प्रभु में एक दूसरे की मददगार बने और ये सोचें कि खुदावंद हमसे चाहता क्या है. ऐसे समय में जब हमारे सामने प्रभु कहता है, मैं नंगा था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था और तुमने मुझे रोटी खिलाई, तुमने मुझे पानी पिलाया, तो लोग कहेंगे हमने ऐसा कब किया. और यीशु ने कहा, जो तुमने छोटे से छोटे के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया. यानी मतलब ये हम एक दूसरे की सुध लेना सीखे. परमेश्वर कहता है, जब उसने कहा जेनेसिस की पुस्तक उसका चौथे अध्याय में, आए केन तेरा भाई कहाँ है, उसने कहा एम आई माई ब्रदर्स कीपर. खुदावन कह रहा है, यस यू आर योर ब्रदर्स कीपर. एक दूसरे की सुधी में. आज हम कोरोना वायरस के समय में घरों में बंद हैं, दुखी हैं, क्योंकि बाहर कहाँ जाएं, किससे मिले, क्योंकि मिलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग दूर होती है और सोशल डिस्टेंसिंग हटाते हैं तो कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन होता है. तो करें तो क्या करें. परमेश्वर कह रहा है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए मदद के कारण बने. किसी को कोई चीज की जरूरत है तो जरूर उसकी मदद करें. ऐसा हम करें तब खुदावंद हमारी तौफीक और ताकत बनेगा, क्योंकि उसकी आत्मा हमें चाहती है कि हम फल लाएं और हमारा फल परमेश्वर में होकर बना रहे, क्योंकि वो राजाओं के राजा के साथ विराजमान है और परमेश्वर ने सारी अथॉरिटी यीशु को दे दी है. God the Father has given all authority in heaven and on earth. It has been given to Jesus Christ. So he ascended up to heaven and is seated at the right hand of God, and he shall rule over heaven and earth. तो इस चीज को हम समझें. और जब परमेश्वर की still small voice, जो कि वो हमारे पास भेजता है, वो कहता है अच्छा है कि मैं जाता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आत्मा भेजूंगा, और वो आत्मा जो हमारे अंदर सही आवाज जो है उस चीज को बने, और गलत और सही का जो है भेद समझ सके, ताकि हमसे भूल कर भी कोई गलत काम, हमसे वही काम होने चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आते हैं. प्रभु आप सबके साथ हो, बिकॉज असेंशियल मीन्स
जीसस बीइंग कॉरोनेटेड, यानी उसका कॉरोनेशन हुआ, उसको उसका ताजपोशी हुई, दैट इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट जीसस एज ही असेंडेड इनटू हेवन। खुदावन कहता है हम भी अपने राजा को इज्जत दें, उसकी बात को माने, उसकी पथ पर चले, ताकि खुदावन जो कि हमारा प्रभु है वो हमारे से खुश हो, एंड इट मे प्लीज हिम टू ग्रांट अस हिज ब्लेसिंग्स। एंड मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विद अस एंड ऑल आवर लॉर्ड वंस दिस डे एंड फॉरएवरमोर। आमेन। Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His grace to follow Him. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen.